Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amrit Senior Secondary School, Clive. तो हम 9th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो कर रहे हैं और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने कर लिया होगा, ठीक है। होमवर्क भी जो दिया था मैंने ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए कि आप जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो नोट कर लेंगे क्वेश्चंस, मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,40। आपको इक्वेशन बनानी है जो पास हो रही है 2,14 से। हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, आपको बताना है कि कितनी और लाइनें हो सकती हैं। पहले तो इक्वेशन बनानी है दो लाइंस की जो 2,14 से पास हो रही है और कितनी लाइनें हैं जो इससे पास होंगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहले देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,40। आपको बताना है 2,14 से जो पास हो सके लाइंस उनकी इक्वेशन बतानी है, दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। अगर मैं ऐसे आपको बताऊँ, ये एक्स एक्सिस हो गया नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये 2,14 है, तो एक्स 2 वाई 14 कुछ यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए 2,14 है। तो यहाँ पे देखिए आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप कैसे भी आ सकते हैं, वो ऐसे आ सकती है, 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 कैसे भी आ सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट दैट इज 2,14, ठीक है। 2,14 से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन बतानी है कि एटलीस्ट टू लाइंस, दो लाइन की इक्वेशन बनाओ। और जब हम इनफाइनाइट बता सकते हैं, हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट हो सकती हैं, तो कुछ तो एक फिक्स नंबर की लाइंस, मतलब 2, 3, 4, 5 तो हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, इन 2,14 एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, y 14 है। अब आपको बस इनका जो रिलेशन है वो लिख देना है। अब देखिए 14 में 2 में क्या रिलेशन है, अब देखो 14 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 14 इज इक्वल टू 2 × 7 लिख सकते हैं। 14 है जो 7 का 2 टाइम्स है, अब 14 की जगह क्या रख दो, y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, x इंटू 7, तो y इज इक्वल टू 7x, एक इक्वेशन ये हो गई। मतलब आपको रिलेशन लिखना है y में और x में, y क्या है 7x है, एक ये होगी इक्वेशन। या फिर आप देखिए भाई 14 माइनस 2 क्या होता है 12, 14 क्या हो जाएगा y माइनस 2 क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो एक इक्वेशन ये हो गई सेकंड इक्वेशन, y माइनस x इज इक्वल टू 12।
मतलब आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो 7 2 14, एक्स वाई की वैल्यू 14 आ गई। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ वाई की जगह 14, एक्स की जगह 2, तो 12 आएगा। या आप लिख सकते हैं कि जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 प्लस 2 16, ये थर्ड हो गए। तो ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो पॉइंट है 3,4 लाइज ऑन द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड ए। देखिए ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन का, तो जो लाइन आएगी वो लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगी। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, ये जो ए है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट लाई कर रहा है इक्वेशन पे, एज 0.3,4 लाइज ऑन द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब है कि मैं एक्स की जगह 3 और वाई की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 4। तो नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन वी गेट। अगर मैं पुट कर दूँ तो देखिए 3 वाई की जगह क्या जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए एक्स, ए इंटू एक्स क्या है 3 प्लस 7, 3 4 जै 12, 3 इंटू ए 3 ए प्लस 7, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3 ए, 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 3 ए, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए, तो एक वैल्यू आ गई। ठीक है, एक वैल्यू निकालनी थी आपको, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार इसकी आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए, ध्यान रखना। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। जो टैक्सी का किराया है किसी शहर का, वो इस तरह से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 हैं, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे के डिस्टेंस के लिए जो किराया है वो है ₹5 पर किलोमीटर, मतलब ₹5 एक किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स एंड द टोटल फेयर एज वाई, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, आपके साथ ये रियल इंसिडेंट भी हो सकता है अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। जो टैक्सी फेयर है आपके शहर में वो कुछ इस तरह से है, आपको कहीं पे जाना है टैक्सी करने तो आप टैक्सी वाले के पास गए, टैक्सी वाले ने बोला कि देखो भाई साहब ऐसा है, पहले 1 किलोमीटर का तो किराया ₹8 लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर तक जाओगे तो 1 किलोमीटर तक का ₹8 है। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद आप आगे जितना भी जाओगे तो आपके ₹5 पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के ₹5 लगेंगे।
जो 8 रुपये है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का किराया है, और जो बाकी के हैं वो कितना लगेगा, 5। ठीक है, अब डिस्टेंस तो मान लीजिए आप एक्स किलोमीटर गए और टोटल फेयर है मान लो वाई, तो आपको ये इसमें डिस्टेंस करना है, मतलब टोटल जो इक्वेशन बनेगी वो बनानी है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए, तो अगर ये सिस्टम है कि 1 किलोमीटर का 8 रुपये, उसके बाद के जो भी होंगे वो 5 के हिसाब से, तो टोटल कितना किराया लगेगा 10 किलोमीटर का। देखिए, पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, बाकी के कितने बचे, 9 किलोमीटर बचे, 9 के 5 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 45, 45 प्लस 8, 53, तो टोटल 53 रुपये लगेंगे आपके। तो ऐसे आपको एक इक्वेशन बनानी है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले तो जो फेयर है ये फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, किराया कितना है, 8 रुपीज़। पहले किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, उसके बाद 5 रुपये लगेंगे। अब आपको पहले दिया हुआ है जो डिस्टेंस कवर्ड उसको एस किलोमीटर मानिए और टोटल फेयर को मानिए वाई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स किलोमीटर। टोटल फेयर, आपका जो किराया लगा वो लगा मान लो y रुपीज़। ठीक है, तो आपको इसमें y में और x में एक रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए, बिल्कुल ईजी है। देखिए, टोटल फेयर आपका y है, तो y इज इक्वल टू, ये जो y रुपये आपसे लिए जाएंगे ये किस तरीके से लिए जाएंगे, देखो 8 रुपये तो आपको आपसे लेगा ही लेगा वो, वाई तो टोटल किराया है, जो टोटल किराया है उस किराए में देखो 8 रुपये तो है ही है। 8 रुपये कैसे हैं, क्योंकि आप 1 किलोमीटर तक गए हैं, आप 1 किलोमीटर गए, पहले तो आप गए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का फेयर है इसमें, जो ये टोटल फेयर है इसमें एक तो 1 किलोमीटर का फेयर आएगा प्लस। अब देखो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, एक्स किलोमीटर, एक्स में से 1 किलोमीटर का फेयर आएगा प्लस, अब कितना बचा, एक्स माइनस 1 किलोमीटर बचा, तो एक्स माइनस 1 किलोमीटर का फेयर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो आप 1 किलोमीटर का प्लस 9 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर का अलग से है चार्ज 8 रुपये, तो 8 रुपये इसके प्लस 9 किलोमीटर के। अब 9 किलोमीटर के तो 9 × 5 के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि 5 रुपये पर किलोमीटर है 1 रुपये 1 किलोमीटर के बाद, तो 8 + 45 तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ये टोटल किराया आ जाएगा जो कि हमने वाई से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू 53। ऐसे ही वाई इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का फेयर प्लस एक्स माइनस 1 किलोमीटर का फेयर। तो अब देखिए, वाई इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, 8 रुपये, जैसे यहाँ पे 8 लिखा था मैंने, 8 + एक्स माइनस 1 किलोमीटर गए हम, जैसे 9 किलोमीटर गए थे, और फेयर कितना है, 5 रुपये हैं 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं एक्स माइनस 1 के, एक्स माइनस 1 × 5, तो वाई इज इक्वल टू 8 + 5 × x, 5x - 5 बन जा 5, मल्टीप्लाई हो गई ना, 5 × x, 5x माइनस के 5 बन जा 5, तो वाई इज इक्वल टू, देखिए 5x 8 - 5 + 3, तो ये एक क्वेश्चन बन गई आपके, तो ये रिलेशन होगा वाई इज इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, तो आप इसमें जितने भी किलोमीटर जा रहे हैं वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका टोटल किराया आ जाएगा। जैसे 10 किलोमीटर जाना था, कितना जाना था, 10 किलोमीटर, 10 पुट कर दीजिए, अभी 10 × 5 = 50 + 3 कितना हो जाएगा, 53 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर कोई आपसे 20 किलोमीटर बोले, 20 किलोमीटर पुट कर दीजिए, 20 × 25 = 100 + 300 आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी कितने भी डिस्टेंस का कितने भी किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप जो किराया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये इक्वेशन है इसका, क्योंकि ग्राफ ही पूछा गया है आपको, ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ तो वही नॉर्मल बनेगा, इक्वेशन है आप पुट कर दीजिए वैल्यू एक्स और वाई की, और फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।